बिरयानी ठंडा दे दिया। थोड़ा सा तो दिमाग रखो भाई, तुमको भी उल्लू बनाते हो। Hey guys, मैं हूं तानिया, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज है सैटरडे और उठने में ना बहुत लेट हो चुका, ऑलमोस्ट एक हो गया था, लेकिन खाना इज नीडेड राइट। बहुत भूख लग चुका है, अभी 3 बज रहा है और हम लोग ना जा रहे हैं आज एक रेस्टोरेंट में, पता है कहाँ? वन ऑफ द वर्स्ट रिव्यू रेस्टोरेंट इन हैदराबाद। लेकिन रेस्टोरेंट के बारे में बोलने से पहले मुझे कुछ पूछना है तुम लोगों से। सैटरडे या संडे का कौन सा टाइम है तुम लोग नींद से जागते हो एक्चुअली, और क्या क्या बोलते हैं तुम्हारा मम्मी पापा या तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर्स? तो डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स। मेरा तो है ऐसे कि तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि तुम सोते ही रहो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, बैड रिव्यूज़। येस, मैंने ना बहुत सारे फॉरेनर्स का वीडियो देखा है जहाँ पर वो लोग ऐसे वर्स्ट रिव्यू रेस्टोरेंट में जाता है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, आई शुड ऑल्सो ट्राई गोइंग देयर। हाँ पता है पेट खराब हो जा सकता है, तो ठीक है ना, पेट खराब तो शुद्ध अच्छा ना। सो मेरा पति बोल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसलिए आज नहा के हम लोग जा रहे हैं वन ऑफ द वर्स्ट रिव्यू रेस्टोरेंट इन हैदराबाद। यह है गच्ची बोली में, रेस्टोरेंट का नाम अभी नहीं बताऊंगी, सब अभी बोल दूंगी तो व्हाट विल बी द रीजन टू सी। लेकिन पता है इधर क्या बोला है सब लोगों ने कि अनहाइजेनिक है, उसके बाद तुम्हारा जो खाना होता है ठंडा होता है, स्पेशल बिरयानी एंड ऑल, और मैनेजर का जो बिहेवियर है इट्स ऑल्सो वेरी बैड। तो ऐसा अगर होता आई वुड नेवर हैव गॉन, बट व्लॉगिंग के लिए क्या क्या करना पड़ता है पता नहीं। और अगर तुम्हारा कोई वर्स्ट रिव्यू वाला ऐसे रेस्टोरेंट में जाने का कोई एक्सपीरियंस है, लाइक तुमने रिव्यू पढ़ा फिर भी तुम गए, तो बताना मुझे। और मैं ना ऐसे रिव्यू देखकर पूरा बिलीव करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि लाइक लास्ट वीक मैंने एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके खाया था, उधर उसका रिव्यू बहुत ख़राब था, लेकिन मैंने जब ऑर्डर किया उन लोगों का थाली इट वॉज़ टू गुड। सो आई डोंट बिलीव इन दिस स्टफ्स फुल्ली, बट हाँ थोड़ा सा तो लगता है। और अभी ऐसे व्लॉग करने जा रही हूँ तो अभी तो लग रहा है भाई पता नहीं क्या होने वाला है। तो स्टे विथ मी और येस यू नो वट यू हैव टू डू। इफ यू न्यू टू माई चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आई मेक व्लॉग्स ऑन ट्रैवल, फूड, फन वीडियोज, फूड चैलेंज एज एनी अदर थिंग दैट क्रिप्स इन टू माई माइंड। और दबा देना बेल। फाइनली मैं आ चुकी हूँ उस रेस्टोरेंट में जिसका रेटिंग है 2.7, और ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है एक्चुअली, जिसका बहुत सारे ब्रांचेस भी है, और आई देर आर एटलीस्ट 7 ब्रांचेस, लेकिन सब ब्रांचेस का ही रेटिंग ऐसे 2.7-2.6 है पता नहीं क्यों। और एक बात, ये जो रेस्टोरेंट है ना वो 11 to 11 लाइक रात का 11 और मॉर्निंग का 11 तक खुला रहता है, तो बहुत टाइम खुला भी रहता है, बट पता नहीं वाई द रेटिंग इज़ सो बैड। और अभी 3 भी बज चुका है, ऐसे भी तो रेटिंग्स में लिखा हुआ है कि इट इज़ द बिरयानी एंड कोल्ड एंड ऑल, और आज तो इतना लेट भी हो चुका है पता नहीं खाना मिलने भी वाला है कि नहीं, बट चलो देखते हैं। एम्बियंस तो बहुत अच्छा है, बहुत स्पेशियस है, और जो आपका ऑर्डर भी लिया बहुत क्विकली ले लिया, सो अभी तक तो आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट, नथिंग बैड। और लाइक ऐसे ज़्यादातर रेस्टोरेंट में क्या करता है, लिख लेता है कि क्या ऑर्डर किया, बट इधर जो वेटर था ना वो ऐसे हम लोगों का मेनू लिया, लगा कि वो स्कूल में रट्टा मारते थे ना, हम लोग रट्टा मार के कुछ पढ़ के जाते थोड़े एग्जाम देते थे, तो वो लिखा नहीं है ऐसा, रट्टा मार के पूरा मेमोराइज कर लिया कि क्या क्या देना है उसको। सो आई हैव ऑर्डर्ड एक फिश 65, एक उल्वा चारू चिकन बिरयानी जिसका खराब रेटिंग हुआ है, एंड उसके बाद हम लोग किया एक नान और एक मलाई कोफ्ता और बटर मिल्क सेफ रहने के लिए। चलो देखते हैं कैसा होता है एक्सपीरियंस, कैसा खाना होगा। इस टेंशन में ना मेरा जो बिंदी था वो निकल गया। एनीवेज जो फर्स्ट आइटम है जो हम लोग ने ऑर्डर किया वो आ गया है फिश 65। सो इट्स नॉट चिकन 65, इट्स फिश 65। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक चिकन 65, टैंगी है, बहुत स्पाइसी है, सॉफ्ट भी है, कोई स्मेल वगैरह भी नहीं है, बहुत अच्छा है, लाइक गरम गरम एकदम दिया हुआ है, और सर्विस भी बहुत अच्छा है, बहुत पोलाइटली देयर बिहेवियर, सो आई डोंट नो सच रेटिंग इज़ देयर, बट अभी तक बहुत सारे आइटम्स है, लेट्स सी क्या होता है आगे आगे, सो देखते रहो। Thank you.
तो गाइस चिकन 65 बहुत अच्छा था, सॉरी फिश 65, वो चिकन 65 बोल बोल के पूरा हैबिट हो गया, फिश 65 बहुत अच्छा था, ऑलमोस्ट 12 पीसेस था। अभी तक तो स्टाफ्स का बिहेवियर बहुत कार्सी है, और एक बार आके हम लोग को साफ करके गया, सो आई रियली एंजॉइंग दिस। और मेरे पीछे ना बहुत सारे लोग हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग मेरा वीडियो अभी देख रहे हो ना प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि आप मेरे वीडियो पर आ चुके हो। सीटी भी बहुत रिलैक्सिंग है इधर, और एम्बियंस भी बहुत अच्छा था, काम क्वाइट एंड स्पेशियस। और ये रहा कोका कोला, नहीं दिस इज बटर मिल्क, दे हैव सर्वड इन कोका कोला का ऐसे प्लास्टिक कैन में। बटर मिल्क इज ऑल्सो गुड, स्पाइसी है, अच्छा है। आज वाल्स्ट होने वाला नहीं है बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड दे हैव कॉशियस। तो एक काम करो ना आप लोग, मुझे मेरा चैनल इतना सब्सक्राइब करो कि मेरा इतना मोनेटाइजेशन हो कि मैं हिडन कैमरा खरीद लूँ और उसके बाद आऊँ देखने के लिए कि सच क्या है, सच का सामना। आई नो माई हिंदी इज बैड, बंगाली एक्सेंट होगा भाई, कैसे आई एम बंगाली आफ्टर ऑल, सो हंसो मत, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, तो सपोर्ट करो और देखते रहो। आ गए हम लोगों का मलाई कोफ्ता और प्लेन नान, तो ये रहा देखो, वो रहा मलाई कोफ्ता एंड प्लेन नान। एंड मलाई कोफ्ता को देख कर स्पेशली अगर बंगाली को भी वीडियो देख रहे हो मेरा, तो यू नो इट लुक्स लाइक चॉम चॉम, इट लुक्स लाइक अ स्वीट ऑफ आवर बंगाल। एंड अभी है खाने का बारी, लेट्स सी। अच्छा बाय द वे मलाई कोफ्ता का 2 पीस ही दिया हुआ है, सो लेट्स सी हाउ इट इज। आई शुड से इट्स बैड बट बहुत मीठा है द मलाई कोफ्ता, इज वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट एक्चुअली, टू मच स्वीट, इट्स काइंड ऑफ लुक्स लाइक आई एम ईटिंग स्वीट। एंड और एक बात बोलती हूँ, जो रोटी है ना, यू कैन सी इट्स टेकिंग सो मच टाइम, इट्स वेरी हार्ड, बहुत रबड़ी है एक्चुअली। थर्ड एल है मलाई, मलाई कोफ्ता, इट्स लुक लाइक स्वीट ओनली। अभी है बाड़ी बिरयानी का, बिरयानी तो इसके बारे में तो रेटिंग बहुत ख़राब था इन मोस्ट ऑफ द रिव्यूज़ इन जोमैटो, तो अभी मेरी बारी इसको देखने के लिए कि रिव्यूज़ कितना सच है। एक बात है, बिरयानी इज़ नॉट हॉट, सो मे बी इट्स कुक्ड लॉन्ग टाइम बैक एंड आई डोंट नो हाउ प्रॉपर इज़ दैट टू हैव कोल्ड बिरयानी, क्योंकि बिरयानी गरम गरम होना चाहिए, तो बिरयानी एकदम ही गरम नहीं है, ठंडा है। टेस्ट वाइज इट्स ओके, टेस्ट वाइज नाइदर बैड नाइदर गुड, इट्स ओकेश, जैसे होता है ओके ओके वाला बिरयानी। और अब ये चिकन पीस खाने का बारी, चिकन थोड़ा हार्ड है और टैंगी है, क्योंकि ये उल्हा चाडू है, तो उल्हा चाडू बिरयानी आइस काइंड ऑफ टैंगी। लेकिन हाँ मुझे सिर्फ एक ही बात अच्छा नहीं लगा, दैट इज़ ओनली दिस द बिरयानी इज नॉट हॉट, इज सॉफ्ट कोल्ड, वी शुडेंट बी, बाकी इट्स ओके, नादर गुड नादर बैड, बट इज डेफिनेटली नॉट वर्स्ट, आई डोंट नो। एंड मेरा रिक्वेस्ट है जो लोग जोमेटो में रिव्यू करते हो, लाइक ट्राई टू कीप जेन्युइन रिव्यू, अगर तुम्हारे साथ किसी मैनेजर का या किसी स्टाफ के साथ झगड़ा हो रहा है, दैट्स व्हाई यू आर लाइक टेकिंग ऑन योर पर्सनल थिंग्स एंड गिविंग बैड रेटिंग, डोंट डू, क्योंकि बहुत सारे लोग जोमेटो के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको देख कर ही विजिट करता है रेस्टोरेंट, सो इट्स नॉट गुड फॉर एनी वन, द रेस्टोरेंट नॉट फॉर द फूड, सो ट्राई टू बी अ लिटिल मोर जेन्युइन। घर में भी ना जब सैटरडे हम लोग लेट होते हैं तो मम्मी गुस्सा होकर जो आपका खाना है वो रख कर ढक कर चला जाता है, चली जाती है, सॉरी माई हिंदी, सॉरी, तो
तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप गैस में या माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हो, लेकिन इधर वो भी ऑप्शन नहीं है, तो यू हैव टू हैव इट ठंडा। कोई माइक्रोवेव ला दो ना, ऐसा होना चाहिए ना रेस्टोरेंट में भी माइक्रोवेव जो तुमको ठंडा लग रहा है वो गर्म करके खाओ। सो हम लोग का डन खाना और अभी घर जाने के बारी। लेकिन अभी बारी बोलने का कि क्या था, कौन सा प्लेस था ये। और तो द प्लेस नेम इज, उसके पहले ना मैं गाना गाना चाहती हूँ, बहारो फूल बरसाओ। ये इज बहार कैफे। एंड बहार कैफे ने फूल तो बरसाया नहीं, लेकिन खाना अच्छा था, डेफिनेटली नॉट द वर्स्ट रेस्टोरेंट। तो मैं जो बोल रही थी, आई वुड डेफिनेटली रेट इट एज 3.5, क्योंकि चिकन 65, मलाई कोफ्ता दे वर गुड। हाँ, बिरयानी वॉज ऑल्सो गुड, लेकिन ठंडा था, चिकन थोड़ा हार्ड था, और रोटी आई मीन द नान वॉज अ लिटिल हार्ड, लेकिन ख़राब नहीं था। मेरा एक पॉइंट अबाउट फूड, एम्बियंस वाइज इट वॉज रियली गुड, इट वॉज क्वाइट, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल ऑल्सो, नॉट वेरी ब्यूटिफुल, इट वॉज डिसेंट, इट वॉज गुड। एंड थर्ड, जो हम लोगों का जो स्टाफ था वो बहुत कॉन्शियस था, पोलाइट था, सो नथिंग बैड हैपन विद दैट। लोकेशन वाइज इट इज़ वेरी ईजी टू फाइंड इट आउट, बिकॉज एक अच्छी बोली में है और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी है इधर। सो लाइक हम लोग एक रेस्टोरेंट जाने के लिए क्या क्या देखते हैं, खाना, एम्बियंस, स्टाफ्स कैसा है और लोकेशन कैसा है। तो चारों में इसका सब ठीक ठाक ही था, सिर्फ बिरयानी को छोड़कर और आपका वो नान को छोड़कर। तो इसके लिए आई कांट से हाँ हाँ क्या है, बिरयानी ठंडा दे दिया, चलो दो देते हैं, एक देते हैं। डोंट डू लाइक दिस, लाइक एटलीस्ट थोड़ा सा तो दिमाग रखो भाई, थोड़ा सा तो कैलकुलेट कर लो, ऐसे क्यों देते हो। ऐसे देकर तुम लोग जो खाते हैं, जो लोग खाना पसंद करते हैं, ढूंढते रहते हैं, जैसे उन लोगों को भी उल्लू बनाते हो, खुद भी उल्लू हो, और रेस्टोरेंट का तो छोड़िए। हाँ, मेरा वर्स्ट रेस्टोरेंट रिव्यू फेल हो गया, क्योंकि वर्स्ट तो नहीं था, आई कॉन्ट से इट वर्स्ट, आई कॉन्ट से इट बेस्ट, इट्स गुड, इट्स ओके, डेफिनेटली द वर्ड विल बी ओके। तो अच्छा ही रहा। हाँ, और एक पॉइंट सब लोग देखते, क्वांटिटी वाइज अच्छा था, प्राइस में भी ठीक ठाक था। मुझे सिर्फ जो फीस 65 है उसका 300 था, तो ज़्यादा लगा, 250-220 होता तो अच्छा है, क्योंकि इतना भी तो कुछ नहीं है ना कि यू आर प्राइसिंग इट एज 300, बट सबका एक एक अंदाज़ होता है, सबका एक एक थॉट्स होता है, मेरा ऐसा है, उन लोगों का कुछ और होगा जिसलिए उन लोगों ने रखा है। सो लेट नॉट गेट इन टू दैट, दिस आर लाइक वेरी पीटी थिंग्स। एनी वेज, आई एन्जॉय माई टू डेज खाना। Did this worst review experience for the first time. It didn't went worse, rather it went good. तो चलो मिलती हूँ मेरे next video पे। And of course, if you're new to my channel, please do like, share and subscribe. और दबा देना bell.